लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ इन्वेंट्रीज इन जस्ट एंड टाइम सिस्टम इन्वेंट्री जो है uh, इसको जस्ट एंड टाइम जो है वो मिनिमम लेवल के ऊपर uh, रखते हैं इट इज़ इनफ टू कीप ऑपरेशन रनिंग ज़्यादा इन्वेंट्री जस्ट एंड टाइम के अंदर uh, बिल्कुल उसके कोई वो रोल uh, नहीं है कोई वो प्ले नहीं करती जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का जो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं उसको हैंडल uh, करने के लिए उसमें पुल सिस्टम एम्प्लॉय किया जाता है जस्ट इन टाइम का पुल सिस्टम और मटेरियल uh, को मूव करने का मतलब ये है कि जब डाउनस्ट्रीम वर्क सेंटर को मटेरियल प्रोडक्शन uh, की ज़रूरत होती है तो वो अपस्ट्रीम से मटेरियल पुल करेंगे सो दैट मीन्स कि जैसे ही वो अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो उस वक्त वो पुल करेंगे तो इस, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री जो है वो मिनिमम लेवल के ऊपर होगी उसके अलावा इन्वेंट्री uh, मेंटेन नहीं की जाएगी और एक और रीज़न ये होता है इन्वेंट्री कम uh, होने का कि लॉट साइज़ जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है कि जितना कम लॉट साइज होगा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इन्वेंट्रीज में कि एवरेज इन्वेंट्री इज़ ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय टू तो दैट मीन्स कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है अगर वो अ, कम होगी लॉट साइज स्मॉल होगा तो इन्वेंट्री भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी सप्लायर्स uh, भी जस्ट इन टाइम डिलीवरी करते हैं सप्लायर्स uh, का ये नहीं है कि सप्लायर्स ज़्यादा लार्ज लॉट साइज के अंदर डिलीवरी करें या प्रोडक्शन करें उनको भी ये दिया जाता है कि वो भी स्मॉल लॉट साइज में डिलीवरी करते हैं और इसीलिए सप्लायर्स अपनी फैसिलिटीज़ uh, जो ये मेन कंपनी है फोकल फर्म है उसके करीब लोकेट करते हैं सो so दैट एक दिन में पाँच छः दफ़ा वो डिलीवरी कर सकें स्मॉल क्वांटिटीज के शक्ल में तो उसकी वजह से भी इन्वेंट्री जो है वो बहुत लो हो जाती है और उसको स्टोर नहीं किया जाता और एक और चीज़ ये है कि जो डिलीवरी होती है वो स्टोर के अंदर नहीं जाती डिलीवरी डायरेक्टली जो वो वर्क सेंटर है जिसको मटेरियल चाहिए होता डायरेक्टली उसके एरिया के अंदर उसको सप्लाई uh, किया जाता है और उस बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री अगेन क्योंकि स्टोर में नहीं जा रही डायरेक्टली प्रोडक्शन एरिया में जा रही है तो उसके इन्वेंट्री जो है वो मिनिमाइज uh, uh, हो जाती है एंड जस्ट इन टाइम के अंदर एक और चीज़ जो है जो कि परफॉर्म uh, करें जो कि शेड्यूल किया उसके मुताबिक तो अगेन जो शेड्यूल किया उसके लिए मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए वो हो जाएगी लेकिन अगर अनशेड्यूल्ड प्रोडक्शन कर दी परफॉर्म कर दिया तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि जो शेड्यूल था उसका मटेरियल पड़ा होगा और इन्वेंट्री बिल्डअप होगी जस्ट इन टाइम के अंदर ये वो नहीं करते आ, उसके बेसिस के ऊपर जस्ट इन टाइम के बेसिस के ऊपर जो शेड्यूल बनाया उसके मुताबिक प्रोडक्शन होती है और उसकी वजह से भी और uh, इन्वेंट्री जो है वो लो uh, हो जाती है फिर एक और तरीका है कि सेटअप टाइम रिड्यूस किया जाए सेटअप टाइम रिड्यूस होगा तो अगेन ऑर्डर क्वांटिटी रिड्यूस होगी और ऑर्डर क्वांटिटी रिड्यूस होगी तो इन्वेंट्री रिड्यूस होगी तो टारगेट यही होता है कि सिंगल डिजिट uh, के अंदर मिनट्स के अंदर सेटअप टाइम को लाया जाए सो so दैट आपका जो सटन टाइम रिड्यूस हो जाएगा तो उसके जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगी तो स्प्रेड ज़्यादा यूनिट्स पे करने की ज़रूरत नहीं है टू लोअर द कॉस्ट तो उसकी वजह से वो फिजबल बन जाता है एक दो यूनिट्स प्रोड्यूस करके आ, उसको दूसरे प्रोडक्ट के अंदर स्विच करने के लिए देन अगेन ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है सेल सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग यूज़ की जाती है उससे भी हमारी ये जो इन्वेंट्री है जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर वो लोअर हो जाती है और इन्वेंट्रीज़ रिड्यूस करने से हम वेरिएबिलिटी रिड्यूस करते हैं और उसका ये है कि उसकी इनोलॉजी हम ये देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लेक और उसके अंदर ऊपर से बड़ा स्मूथ नज़र आ रहा है Uh, पानी बिल्कुल कोई उसमें हलचल नहीं है लेकिन एक्चुअली उस सरफेस ऑफ वाटर के नीचे रॉक्स uh, हैं अब चीज़ ये है कि दीज रॉक्स इनको अगर हम देखें अपने प्रोडक्शन सिस्टम में तो दीज रॉक्स आर प्रॉब्लम्स इन आर प्रोडक्शन सिस्टम तो अगर हम इस uh, जो सरफेस है वाटर की उसको हम लोअर करेंगे तो ये रॉक्स जो हैं ये नज़र आएंगे और उन रॉक्स को फिर हम रिमूव कर सकते हैं सो so, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमने पानी थोड़ा सा रिड्यूस किया तो देट जो रॉक्स हैं फॉर एग्जांपल इधर रॉक के शक्ल के अंदर हमारा सेटअप टाइम का इशू नज़र आया कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम हमारा प्रोसेस डाउन टाइम इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको कि क्वालिटी का प्रॉब्लम है ये ये सब चीज़ें फिर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं तो कहने का मतलब यह है कि स्लोली बाय स्लोली अगर हम इन्वेंट्री अपनी रिड्यूस करते जाएं ये प्रॉब्लम्स क्रॉप अप करेंगे उसके कॉजेस को हम देखेंगे और वो कॉज हम रिमूव करेंगे अल्टीमेटली वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स और सब कुछ वेरी स्मूथली रन होगा थ्रू आउट द सिस्टम बाय कीपिंग वेरी लो इन्वेंट्री इन्वेंट्री फिर ज़्यादा मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी uh, इसको हम इस तरह कह लें कि रिड्यूसिंग इन्वेंट्री अनकवर्स रॉक्स रॉक्स आर प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम और ये जो प्रॉब्लम एक्सपोज होंगे तो उसके हमने काजेस देखने हमने ये नहीं करना कि इन्वेंट्री को बढ़ाएं कि ये हमारे प्रॉब्लम uh, छुप जाए नहीं उसके अंदर काजेज को देखना है वो काजेज़ जो हैं वो हम रिमूव करेंगे और उनके रिमूव करने से जो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और इन्वेंट्री भी हमारी टोटली मिनिमाइज हो जाएगी और आइडियल सिचुएशन के अंदर इन्वेंट्री ज़ीरो के ऊपर चली जानी चाहिए शिंगो जिन्होंने ये जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट दिया था अकॉर्डिंग टू तो हिम इन्वेंट्री इज इवल इट इज़ द बिगेस्ट ईवल इन प्रोडक्टिव सिस्टम क्यों ईवल है क्योंकि ये हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम के अंदर उनको छुपाता है तो इसलिए इन्वेंट्री जो है उसको एलिमिनेट करना चाहिए सो दैट सिस्टम जो है वो बहुत स्मूथ रन कर सके